हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले पता होना चाहिए कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का वो टाइप जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, और हमारा जो दूसरा पर्सन होता है जिसको हम लोग होस्ट कहते हैं, ठीक है, जो सेकंड पर्सन होगा दैट इज़ नोन एज होस्ट। होस्ट अलाइव होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा अलाइव होगा। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि एक तरह का पैरासाइट है, जिसको हम लोग पैरासाइट कहेंगे, वो होस्ट के ऊपर अटैक करता है जो कि अलाइव होता है, और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक दवाई होती है जो कि एल्गी से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये तो इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरह का मलेरियर पैरासाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है पैरामनीशियम। पैरामनीशियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि पैरामनीशियन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये एक तरह का एल्गी होता है, ठीक है। और इसका शेप जो होता है वो स्लीपर के जैसा होता है, ठीक है, जैसे आप लोग चप्पल देखे होंगे ना, बिल्कुल वैसा इसका शेप होता है। और इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं, ठीक है, सीलिया कहते हैं उसको, और जिसकी वजह से ये अपना मूवमेंट कर पाता है, इन्हीं सीलिया की वजह से। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉप ऑप्शन जो कि है पैरट। तो पैरट हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा, जिसके पैरट का आप लोग जानते हैं न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो वो हमारा फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ओके, राइट। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिज्म इज। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा एनिमल करता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं मशरूम, मलेरियर पैरासाइट, लीच एंड लाइसिस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पैरासाइट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, जो हमारा वन नंबर का ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जिसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं, वो सेकेंड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है जो कि अलाइव होता है, जिसको होस्ट कहते हैं, तो वो हमारा पैरासाइटिक होता है। पर सेप्रोफाइटिक में क्या होगा, सेम हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म सेकेंड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, पर यहाँ पर डिफरेंस हमारा ये है कि जो हमारा सेकंड ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनिज़म्स किसी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हीं सब ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट्स, और उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा मशरूम, मशरूम जो कि हमारा एक फंगस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। तो फंगस में क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर होता है, उन सब से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा मशरूम। और हम लोग बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट अभी आपको बताए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि मलेरियल पैरासाइट क्या होता है, हमारा प्लाज्मोडियम होता है। हमारा प्लाज्मोडियम एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है जो कि क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो हमारा ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। उसी तरह से लीच, लीच के बारे में आप लोग जानते होंगे, लीचेस क्या होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में जोक कहते हैं। जोक क्या करता है, खून चूस के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसका खून चूस के और वो जिंदा रहता है, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, एक तरह से होस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है जो कि लिविंग होता है। तो ये लीचेस क्या करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लाइसिस, लाइसिस जिसको हिंदी में ढील या जुआ भी कहा जाता है, ठीक है। तो लाइसिस भी क्या करते हैं, ये भी एक तरह का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, किसी लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। उसके बाद हमारा आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा है द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन अडल्ट इज़ अबाउट। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ कितना होता है किसी अडल्ट ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अडल्ट ह्यूमन जो कि होता है उसके अंदर बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जानते होंगे कि जिसमें हमारा जो सिस्टम हमारा वर्क करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसके हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारा आता है पहले माउथ, उसके बाद आता है एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस, उसके बाद हमारा होता है स्टमक, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है, स्टमक होता है। उसके बाद फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन,
और उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में हमारा होता है एनस, जिसके थ्रू हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो उसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर, ठीक है। और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है 6.5 मीटर और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है हमारी 1.5 मीटर, तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों डिफरेंस ये है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो पाइप होता है या फिर जो इसका डक्ट होता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही फाइन होता है और स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पाइप होता है, डक्ट होता है, वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। हालांकि इसकी जो लेंथ है वो कम है, पर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो पाइप की डक्ट होती है उसका डायमीटर छोटा होता है, पर इसकी लेंथ जो होती है वो 6.5 सेंटीमीटर होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बिगेंस इन। तो हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी के किस पार्ट से शुरू होता है। तो यहाँ पर अभी आपको बताया है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसका हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ माउथ। तो माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन वर्ड से आप समझते क्या हैं, तो डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेज में सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ द स्मॉल लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। तो हमारा आप लोग जानते हैं कि जैसे ही आप लोग फूड इनटेक करते हैं अपने माउथ के अंदर, तो हमारा जो फूड होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वहीं से हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माउथ। उसके बाद बात करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस की। तो यहाँ पे हमारा जो स्टमक होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है HCl रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये रिलीज़ होता है जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। और मेनली हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारे इन्हीं दो ऑर्गन्स में होता है, एक हमारा स्टमक में होता है और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इन्हीं दोनों ऑर्गन्स के अंदर हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हो जाता है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सेक्रेटेड बाय, जो बाइल है वो किस ऑर्गन से सेक्रेट होता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बाइल एक तरह का क्या होता है, एल्कलाइन लिक्विड होता है, जो कि क्या करता है हमारे फूड, जो हमारा हम लोग फूड इंटेक करते हैं उसके अंदर जो फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं उन सब का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो जो सेक्रीट होता है लीवर से सेक्रीट होता है, ठीक है, तो लीवर से ये सेक्रीट होता है और वहाँ से निकल के ये डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर हमारा एक ऑर्गन होता है जो कि हमारा प्रेजेंट होता है लीवर के जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है वो कुछ देर के लिए स्टोर होता है और उसके बाद फिर वहाँ से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे हमारा फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। तो इसको क्वेश्चन से करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के न्यूट्रिशन करते हैं, या तो करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और इसका दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो ऑटो वर्ड है, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है नॉरिशमेंट। तो जो ऑर्गेनिजम्स खुद का नॉरिशमेंट अपने आप कर लेते हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद हेटरो वर्ड मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक वर्ड मतलब आपको बताया क्या होता है, नॉरिशमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। तो हमारा जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये हमारा बेसिकली जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोफिल के साथ साथ और कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिसको यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, उसमें हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसकी मदद से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो कि क्या होता है उनका ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, और इसके साथ साथ हमें सनलाइट भी लगता है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें लग रही हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी लग रहा है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है और सनलाइट भी चाहिए होती है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से मिलके हमारा जो फूड है ग्लूकोज वो बनता है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं वो किसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स हम लोग किसको कहते हैं। तो एंजाइम्स हमारे होते हैं एक तरह से कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में वर्ड्स में होगा कैटलिस्ट, जो क्या करता है किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो उसी तरह से हमारे बायोलॉजी में जो एंजाइम्स होते हैं दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के एंजाइम का नाम दिया हुआ है कि पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है, जो कि क्या करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये किसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा सेक्रेट किए जाते हैं किसी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, किसी भी ग्लैंड में से ही हमारे एंजाइम्स निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्टमक एंड पैनक्रियास, ऑप्शन डी। यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम है वो रिलीज किया जाता है स्टमक के द्वारा और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो सेक्रेट किया जाता है पैनक्रियास से, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूसेस कंटेन्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट। जो पेनक्रियाटिक जूस है उनमें से जो एंजाइम निकलते हैं वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पेनक्रियाज, आपको जानते होंगे कि स्टमक के जस्ट बीनीथ हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं, और पेनक्रियाज में से बहुत सारे तरह के एंजाइम्स निकलते हैं जिसमें से हमारा ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ट्रिप्सिन हमारा पेनक्रियाज से निकलता है। इसके अलावा हमारा कुछ एंजाइम्स होते हैं जिस तरह से लाइपेज एंजाइम होता है और भी बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो कि हमारे फूड के सभी कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो हमारा प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ों के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। वेयर प्रोटीन्स आर फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो हमारा माउथ जो हमारा कि मेन ऑर्गन है, माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस के बीच में जितने भी हमारे फूड पाइप आती है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमारा माउथ आ जाता है, फिर हमारा एसोफेगस आ जाएगा, फिर हमारा स्टमक आ जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब चीज़ों को मिला के हम उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, राइट। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन, तो आप लोग कर चुके हैं कि हमारा कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, पर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है स्टमक से, ठीक है। तो स्टमक में हमारा कौन सा एंजाइम होता है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि एक पेप्सिन, राइट, पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि स्टमक में रिलीज होता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन। किसके पास सबसे बड़ी इंटेस्टाइन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोर क्या होते हैं और हर्बीवोर क्या होते हैं। तो कार्निवोर क्या होते हैं, जो एनिमल्स अपने मीट या फ्लैश से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग कार्निवोर कहते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा कि हमारा जो लायन है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या है हमारे एक तरह से कार्निवोरस एनिमल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल जो कि अपना जो फूड है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि डियर, रैबिट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हर्बीवोरस एनिमल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट और एनिमल दोनों से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग ओमनीवोर कहते हैं। और ओमनीवोर में क्या हो जाएगा, जैसे बियर, ठीक है, या फिर मैन, हम लोग क्या हैं, प्लांट्स हैं उनको भी ईट करते हैं और एनिमल्स हैं उनको भी ईट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑटोट्रॉप की, तो ऑटोट्रॉप क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं उन सबको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, किन के पास सबसे बड़ी इंटेस्टाइन होती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं उनके पास सबसे बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों होती है, तो इसका क्वेश्चन भी हमें यहीं से मिलेगा,
आप लोग जानते हैं कि हमारे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और इसको पचाने में बहुत ही लंबा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पचाने के लिए जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनकी लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज़ नोन एज। तो अमीबा जो फूड ऑब्टेन करता है किस प्रोसेस से करता है, तो अमीबा क्या होता है, तो ये एक हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप टेढ़ा मेढ़ा कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिए वो आपका अमीबा बन जाएगा, बस उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप मन से कोई भी स्ट्रक्चर बनाइए वो आपका अमीबा बन जाएगा, ये हमारा अमीबा होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, तो अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी सेल किसी दूसरे सेल को ईट करता है, ठीक है। कोई भी जो बाहर पार्टिकल होगा उसको अपने सेल बॉडी के अंदर ले आएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो यहाँ पे अदर ऑप्शन हमारा है डायलिसिस। डायलिसिस हमारा होता है एक तरह से प्रोसेस है, जब किसी पर्सन की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग डायलिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से ट्रीटमेंट है। उसके बाद से साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक तरह का हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सेल का डिवीज़न होता है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अमीबाइसिस। अमीबाइसिस क्या होता है, तो जो अमीबा है वो दो, एक अमीबा दो अमीबा में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। एक अमीबा जो है वो आगे जाके दो अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम लोग एम्बीबाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसमें बाइल रिसीव होती है लीवर से, तो वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पढ़ाए हैं पहले कि हमारा जो बाइल है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है, और लीवर में प्रोड्यूस होने के बाद वो जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में जाके वो स्टोर होता है और वहाँ से एक डक्ट के थ्रू वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मीट करता है। और बाइल क्या करता है, बाइल हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, और फैट्स, इन सब के डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम द HCl इन स्टमक। तो हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। इनमें से जो HCl होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि हम क्या करता है, हमारे जो सेल जो स्टमक की वॉल्स है उसको गला सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पे साइड में हमारी म्यूकस की एक लेयर होती है जो कि क्या करती है, HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, राइट। उसके बाद पेप्सिन क्या होता है, तो ये हम आपको बता चुके हैं। पेप्सिन एक तरह का हमारा एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये भी कहाँ पे सेक्रेट होता है, स्टमक से ही सेक्रेट होता है। और सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, ये भी हमारा एक तरह से लिक्विड है जो कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, और इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम होता है, अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, हमारे स्टार्च को चेंज करता है सिंपल शुगर के अंदर, जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा उसको सिंपल शुगर्स में चेंज करता है, और बाइल के बारे में बता चुके हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज पैनक्रियाटिक जूस। तो हमारे फूड का कौन सा कॉम्पोनेंट है जो कि एंजाइम, उस एंजाइम से सेक्रीट होता है, उस एंजाइम से डाइजेस्ट होता है जो कि सलाइवा और पैनक्रियाटिक जूस दोनों में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा होता है ऑप्शन इसका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अभी आपको बताया है कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग अमाइलेज कहते हैं, और वो एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। इसके अलावा जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस होता है वो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इनमें से जो हमारे मोस्ट ऑफ प्लांट, मतलब ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होती है उसको एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है,
ठीक है। और इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को जो प्लांट्स हैं वो वाटर के साथ साथ उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल बटन है उसको भी ज़रूर हिट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।